आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन जो है ये याद रखिए ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब अल्केन दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, अल की मानी है नंबर ऑफ कार्बन और एन की मानी है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो आपके पास अगर अल्क है नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन आपके पास वन है तो इसको हम मिथ कहते हैं, अगर कार्बन की तादाद टू है तो इसको हम इथ कहते हैं, अगर कार्बन की तादाद थ्री है तो इसको हम प्रोप कहते हैं, अगर कार्बन की तादाद फोर है तो ब्यूट कहते हैं, अगर कार्बन की तादाद फाइव है तो पिंट कहते हैं, अगर सिक्स हो तो हेक्स कहते हैं, अगर सेवन हो तो हेप्ट कहते हैं, अगर एट हो तो ऑक कहते हैं, अगर नाइन हो तो नोन कहते हैं, अगर टेन हो तो डिक कहते हैं, अगर इलेवन हो तो अनडिक कहते हैं, अगर ट्वेंटी हो तो कोसेकेंड्स कहते हैं, इस तरह से अप टू हंड्रेड आप जा सकते हैं। अब इस जनरल फार्मूले में हम वन पुट करते हैं, तो जब हम वन पुट करते हैं ऑलरेडी ये वन है, यहां पर भी वन, तो ये बन जाता है CH4, ये CH4 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आपके पास CH4 बन गया, यानी ये आपके पास बन गया CH4, तो अब आप देखिए अगर इसमें आप 2 को लगाओगे तो यहां पर अगर आपके पास 2 होता है तो यहां पर भी n की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 उसके साथ जमा कर दो तो ये 6 आता है। तो यह आपके पास C2H6 आता है। इस तरह से अगर हम इस फार्मूले में C3H8 को ऐड कर दें तो ये देखे यहां पर अगर 3 है तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6+2 8 होता है, तो ये आपके पास बन जाता है C3H8। इस तरह से आपके पास ये C, यहां पर अगर आप 4 पुट कर दे तो यहां पर 8 और 2 10, तो H की 10 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि C4 और H जो है वो 10 के बराबर है। तो अब हमारे पास ये कार्बन है और यहां पर ये बॉन्डेड है, देखिए कार्बन है और ये बॉन्डेड है। अब कार्बन क्या है, कार्बन एक है, वन इन नंबर, तो अगर वन इन नंबर है तो इसको हम कहते हैं मिथ। और एन इसलिए कहते हैं कि यहां पर दो एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया मिथ एन। इस तरह से अगर आपके पास कार्बन की तादाद यानी टू है, टू कार्बन है और यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन जो है यहां आप देखें 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं तादाद में आप देखिए 2 है, तो 2 को हम कहते हैं इथ और एन इसलिए कहते हैं कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया इथ एन। इस तरह से अगर आपके पास है कार्बन, कार्बन अगर आपके पास 3 है, 3 इन नंबर और यहां आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, तो अब देखिए यहां कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहां आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए हैं कितने 3 और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन 3 है तो इसको हम कहते हैं प्रोप और एन यू कहते हैं, किसको कहते हैं एन, इसलिए कहते हैं
कि एन का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया प्रोप एन। इसी तरह से कार्बन आपके पास फोर है, 1 2 3 4। तो अगर फोर है और यहां पर आप हाइड्रोजन लगा दे तो ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ओके, ये देखिए हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। तो अब कार्बन आपके पास ये फोर एन नंबर, तो इसको हम कहते हैं ब्यूट, और एन क्यों कहते हैं ब्यूट, एन इसलिए कहते हैं कि यहां सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट एन। अब आपके पास अगर कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, तो कार्बन 1 2 3 ये 4 और ये 5। अब देखिए इसकी मैं टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करना चाहता हूं। अब देखिए ये आपके पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। अगर कार्बन 5 है और इसमें आपके पास बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 5 कार्बन को ये कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 को हम कहते हैं पेंट, पेंट कहते हैं। और एन इसलिए कहते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए इस पेंटेन को हम यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास हो गया CH3, यदि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और यहां इसके बाद ये CH2, यहां CH2, यहां आपके पास CH2 और यहां CH3। और इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट और ये CH3। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CH3 होल 2 और CH2 होल 3। तो अब ये जो आप पेंटेन का देख रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और वो फार्मूला जो बॉन्ड शो करे, द फार्मूला विच शोज बॉन्ड बिटवीन एटम्स, जो एटमो के दरमियान बॉन्ड को शो करता है, तो वो आपके पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब देखिए यहां पर आपके पास ये भी स्ट्रक्चर फार्मूला है बॉन्ड, लेकिन यहां बॉन्ड शो हो गया है बिटवीन कार्बन बाय डैश, तो इसको हम कहते हैं डैश फार्मूला। और यहां पर बॉन्ड शो हो गया है बाय डॉट, तो अगर बाय डॉट है तो इसको हम कहते हैं डॉट डॉट फार्मूला। और इसी को हम कहते हैं जितने नंबर है उतनी तादाद हमने यहां पर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंस, इसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। तो ये कंडेंस फार्मूला है। अब अल्केन के कुछ करैक्टरिस्टिक है, अल्केन के करैक्टरिस्टिक ये है कि अल्केन में आपके पास होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी आप देखिए एक कार्बन और कितनों के साथ बॉन्डेड है, 1 2 3 4, 4 के साथ बॉन्डेड है, और यहां पर इससे वैल्यू भी आ जाता है 4, यानी s का 1 और 3 का 4, तो यहां पर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये याद रखिए ये आपके पास टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और यहां एंगल जो है एंगल 109.5 डिग्री का होगा। और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये याद रखे कि ये अल्केन जो है इसको पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन,
लिटिल एफिनिटी फॉर केमिकल रिएक्शन, लिटिल लिटिल एफिनिटी एफिनिटी फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए इसकी एफिनिटी चाहत वो बहुत कम होती है। ये मोर स्टेबल होता है, और ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि टेट्रावेलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें याद रखिए फ्री रेडिकल, ये बाद में बताऊंगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या फिर जर्नल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है। और ये हमने एक्सप्लेन किया अल्केन को, अब हम एक्सप्लेन करते हैं अल्कीन को। अल्कीन को हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं, गौर से देखें, अल्कीन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरह से, तो ये याद रखिए अल्कीन यहां पर हम लिखते हैं ए की जगह ई, तो ये आपके पास बन जाता है अल्कीन। अल्कीन का जो है ये भी हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका जर्नल फार्मूला CnH2n है। अब अल्कीन स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 2 से। देखिए आपके पास अगर कार्बन नंबर 2 होता है तो यहां पर C2 और H4 आता है, जबकि ये आपके पास है कितने कार्बन, यहां कार्बन है 2, तो ये देखिए ये 2 कार्बन, गौर से देखें 2 कार्बन है यहां पर और 4 हाइड्रोजन है। और नाम इसका क्या होगा, नाम इसका होगा इथ। और इथ क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन यहां पर आपके पास 2n नंबर है, और इन इसलिए कहते हैं कि इन से मुराद है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड की बजाय हम क्या करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो इथ जो है कार्बन 2 को कहते हैं, और इन से मुराद है डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ये इस तरह से होता कि कार्बन है 2 और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा इथ एन, एन सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कार्बन 3 हो, तो अगर आपके पास कार्बन 3 हो तो यहां पर हम लिखते हैं कार्बन 3 और H की 6। अब देखिए यहां आपके पास है कार्बन 1, 2 और ये 3। अब ये फार्मूला जो है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड के लिए है, ये वाला फार्मूला जो है ये एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड के लिए है। 1 डबल बॉन्ड को अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये याद रखिए ये आपके पास CnH2n, ये एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड के लिए है, डबल बॉन्ड के लिए है, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। कार्बन 3 है तो एक डबल बॉन्ड लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहां आपके पास हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। अब देखिए ये आपके पास जो अल्कीन है तो ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहां कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ये बॉन्डेड है 1, 2, 3, 3 एटमों के साथ बॉन्डेड है, तो यहां पर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी s का 1 और p का 2, तो ये बनता है 3, और ये कार्बन बॉन्डेड है 1, 2, 3 के साथ। लेकिन यहां पर आप देखें 1, 2, 3, 4, यहां आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि अल्कीन विल हैव डबल बॉन्ड, विल हैव डबल बॉन्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 hybridization, यानी अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो और एक भी डबल बॉन्ड उसमें मौजूद हो तो उसको हम एन नहीं बल्कि इन कहेंगे, इन कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया प्रोप। प्रोप कहते हैं कार्बन तीन को और इन कहते हैं डबल बॉन्ड को। अब अगर हमारे पास इस तरह से हो कि डबल बॉन्ड अगर ज्यादा हो तो फिर ये वाला फार्मूला लागू नहीं होता है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, तो अब देखिए यहां पर आप हाइड्रोजन को काउंट कर ले। हाइड्रोजन कितने हैं? गौर से देखिए, हाइड्रोजन यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है। तो अगर ये वाला फार्मूला आपको ईटा में या एनएम डिकेट में दे दे कि इसमें डबल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इस वाले कंपाउंड में, तो इसके लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मालूम करने का तरीका के नंबर ऑफ कार्बन प्लस ये प्लस टू और फिर इसके बाद आपके पास होता है प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टू। तो अब देखिए ये आपके पास है कार्बन कितने हैं, कार्बन सिक्स इन नंबर, तो सिक्स इन नंबर तो टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू फिर माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टू। तो अब देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन है सिक्स इन नंबर, तो अगर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस 2 14 से माइनस कर दो 8 और डिवाइड कर दो 2 पे, तो ये 14 और 8, अगर 14 से 8 को निकालोगे तो यहां पर आएगा 6 और 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो यहां पर 3, तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो 3 होते हैं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड 1, ये 2 और ये 3, तो ये वाला फार्मूला जो है वो लागू होता है, ये वाला फार्मूला के 2 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इससे हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मालूम करते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो अब हमारे पास ये पॉलीइन है, पॉलीइन है, बहुत सादे इन है इसमें, और ये वाला फार्मूला सिर्फ मानो इन के लिए इस्तेमाल होता है, मानो इन के लिए ये वाला फार्मूला लागू होता है। अब याद रखे अल्कीन में हमारे पास एडिशन कौन सा, अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक जो कि बाद में बताऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन इसलिए होता है कि इसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। देखिए ये आप देखें, ये वन यहां एक एटम के साथ, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन एटमों के साथ बॉन्डेड है, तो इसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए यहां पर एडिशन रिएक्शन। और कौन सा एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये बजाते खुद न्यूक्लियोफाइल है, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन देता हो तो वो याद रखे वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो ये याद रखे यहां एडिशन इलेक्ट्रोफाइल की होती है। अब हम इस तरह से एक और एग्जाम्पल पेश करते हैं इस वाले फार्मूले के थ्रू, कि अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड,
यहां ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहां पर हाइड्रोजन 2 और यहां पर हाइड्रोजन 2, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले तो 4 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन भी काउंट कर दे तो ये भी 4। तो अगर हम यहां 2 लगाएंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 8, 8 के साथ 2 जमा कर दो तो ये 10, और फिर हाइड्रोजन 4 निकाल दो डिवाइडेड बाय 2 तो यहां 6 आएगा, 6 को 2 पे तकसीम कर दो तो यहां 3 आता है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, ये आपके पास बन जाता है 3। तो अब अल्कीन जो है वो अल्कीन हमारे पास कंजुगेटेड भी है, नॉन कंजुगेटेड भी है और क्यूमेटेड भी है। कंजुगेटेड उसमें ये होता है कि अल्टरनेट डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, सबके लिए ये फार्मूला। और नॉन कंजुगेटेड डबल सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह से जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड ना हो। और क्यूमेटेड जो है वो सारे डबल बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है। तो अब हम जाने वाले हैं और एक्सप्लेन करते हैं अल्काइन। तो अल्काइन जो है, अगर हम अल्काइन की बात कर ले तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिर्फ यहां पर क्या होता है ई की जगह हम वाई लगाएंगे और ये आपके पास बन जाता है अल्काइन। और यहां पर ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, और ये भी स्टार्ट होता है, ये देखिए -2, ये स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 2 से, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां कार्बन ये 2 लगा दे, ये 4, 4 से 2 निकाल दे तो ये 2, ये आपके पास C2H2। इसी तरह से आप देखें ये वाला कार्बन, ये देखें इसका नाम है एथर, क्योंकि कार्बन यहां पर होते हैं 2, और यान इसलिए कहते हैं कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। यहां आपके पास है C2H4, C2H4, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपके पास सारी यहां पर C2, C3 और H4, तो C3H4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं और कार्बन 3 हो गए, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और यहां क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर यह आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह से अगर आपके पास ब्यूटाइन है, ये देखिए ये ब्यूटाइन है, तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये हाइड्रोजन लगा दो तो काम क्या है, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइन होगा, ब्यूटाइन। तो यहां पर जब ब्यूटाइन है तो ब्यूटाइन भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस वजह से ये बजाते खुद अल्कीन और अल्काइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। अब याद रखिए यहां आपके पास इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है, एंगल 180 होता है, लेकिन sp2 में ट्राइगोनल होता है और एंगल 120 होता है। अब याद रखिए ये फार्मूला जो है जो यूज होता है, ये वाला फार्मूला ये मानोयान के लिए है। अगर पोलीयान हो, पोलीयान अगर पोलीयान हो तो इसमें आप देखें अल्टरनेट ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड, यानी कंजुगेट अल्काइन, ये देखे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इस किस्म का फार्मूला है। यहां पर आप देखिए अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
और हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन 2 इन नंबर है। तो अब देखिए ये कंजुगेटेड अल्काइन है। तो अब अगर कोई आपको ये फार्मूला दे दे और ये बताए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड मालूम करने का तरीका 2 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 4। ये 2 है, 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12, 12 के साथ 2 को जमा कर दो तो 14, 14 से आप क्या कर दो 2 निकाल दो। तो अगर 14 से 2 निकालोगे तो ये 12 बन जाता है और 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो यहां पर 3 बन जाता है। तो ट्रिपल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं कि ये कितने हो गए हैं, ये 3 हो गए हैं। इसी तरह से आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर जाके ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो ये नॉन कंजुगेटेड है। तो यहां पर आप देखिए यहां गौर से कि ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, कार्बन 1 2 3 4 5 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन। तो अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या है, 2 नंबर ऑफ कार्बन। तो अब देखिए यहां पर इसमें आप देखिए इसमें अगर कार्बन 5 हो तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10, प्लस 2 कर दो तो 12, 12 से 2 को निकाल दो तो ये आपके पास बन जाता है 10। ये हो से देखिए ये 4 निकाल दो, सारी 4 निकाल दो क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है 4, तो ये बन जाता है 8, 8 को 4 पे डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है 2। तो ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 1 2, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस वाले फार्मूले से आप नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को भी आप मालूम कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।